देवियों और सज्जनों, मैं रोज़ यहाँ आता हूँ, आप सबसे मिलता हूँ, कुछ आपकी सुनता हूँ, कुछ अपनी सुनाता हूँ। इन्हीं मुलाकातों में वक्त का पता ही नहीं चलता। मुझे कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आपके और मेरे साथ का ये संबंध बहुत ही मधुर और भावुक रहा है। इस मंच पर आकर आपके और मेरे बीच बहुत सी घटनाएं घटी हैं। इस लंबे सफ़र में मेरे जीवन में तो परिवर्तन आया ही है, लेकिन मेरा यह विश्वास है कि और बहुतों के जीवन में भी परिवर्तन आया होगा। देवियों सज्जनों, आज मैं इस बात का विश्लेषण इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप माने या ना माने, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरा केबीसी के मंच पर आज ये 500th एपिसोड है। थैंक यू। आपका और हमारा ये संबंध आगे भी इसी तरह चलता रहे, इसी आशा के साथ मैं आज का ये खेल शुरू करता हूं कि आदर आदाब अभिनंदन आभार, मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है ज्ञान मान सम्मान का खेल, पंचकोट ज्ञान कुंभ, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, ये हम सब जानते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला ही बनाता है। आपके बगल में कौन होगा, शीला या मुन्नी, टीना या टुन्नी, ये उसने तय कर रखा है। लेकिन कुछ जोड़ियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम देख के कहते हैं जोड़ी हो तो ऐसी। फिल्मों की शुरुआत के साथ फिल्मी जोड़ियों का भी दौर शुरू हो गया। बड़े पर्दे पर इन जोड़ियों को देख लोग न केवल इन्हें पसंद करने लगे बल्कि इनके जैसे जोड़ीदार भी तलाशने लगे। जब सरसों के पीले खेतों में शाहरुख और काजोल मिलने के लिए दौड़ते हैं तो उनको देख रहे स्वीटी और मोंटी के दिल में भी कुछ कुछ होने लगता है। फिल्मों के बाद जब टेलीविजन की शुरुआत हुई तो जोड़ियों का सिलसिला छोटे पर्दे पर भी उतर आया। ये जोड़ियाँ ऐसी थीं जो पूरे परिवार को पसंद आने लगी। माँ सोचने लगी कि मुझे बहू ऐसी मिले, बहू सोचती थी कि मुझे पति ऐसा मिले, पति सोचता कि मुझे बीवी ऐसी क्यों नहीं मिली, तो बीवी सोचती कि मेरा परिवार हो तो ऐसा। ये इन जोड़ियों का कमाल है जो हर दिन देश के सारे परिवारों को एक कर देते हैं। जैसे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बड़े अच्छे लगते हैं कि मशहूर जोड़ी राम कपूर और साक्षी तन्वर, और कुछ तो लोग कहेंगे कि चर्चित जोड़ी शरद केलकर और कृतिका कामरा की। जब तक ये जोड़ियां पर्दे पर रहती हैं सारा देश एक परिवार बन जाता है। आज हम अपने विशेष कार्यक्रम में इन दो जोड़ियों के साथ खेलेंगे पंचकोटि ज्ञान कुंभ कौन बनेगा करोड़पति। वो कहते हैं ना कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन जब डॉक्टर्स ही इतने हसीन हों तो भला एप्पल की तरफ कौन देखेगा। ये ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन पे पूरा देश फिदा है। जोरदार तालियों के साथ देवियों सज्जनों स्वागत कीजिए डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर निधि, यानी कि शरद केलकर कृतिका कामरा का। बहुत बहुत स्वागत आपका कृतिका। देवियों सज्जनों, शरद केलकर कृतिका कामरा, कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ आकर के? मेरे ख्याल से एक सपना पूरा हो गया है। कभी सोचा भी नहीं था कि आपके सामने खड़े होकर और ये खेल के, इसलिए मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा था, मैंने ऐसे ही नहीं। लेकिन देखिए, ये जो आप लोग जब आते हैं तो हमारी जो शो है इसकी शोभा बढ़ जाती है, और ख़ास तौर से जब खूबसूरत लोग आते हैं तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, है कि नहीं? एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। और शरद और कृतिका, हम आपके साथ खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति, लेट्स प्ले। तो देवी और सज्जनों, अब हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं चुपचाप रहने वाले शरद केलकर उर्फ डॉक्टर आशुतोष, जिन्हें काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी लगन की वजह से इनके रोमांस की गाड़ी जरा रुक रुक के चलती है। इसी रोमांस की गाड़ी को एक्सेलरेटर मारती हुई मेरे सामने बैठी हैं कृतिका कामरा उर्फ डॉक्टर निधि। चुलबुली, बातूनी, खुश मिजाज डॉक्टर निधि पेशेंट्स के साथ साथ अपने डॉक्टर पति पेशेंट का भी बेहद ख्याल रखती हैं। जिस तरह से आपका किरदार है और हमने देखा भी है टेलीविजन पे, आप ज्यादा बोलते हैं वो कम बोलते हैं, शो में उसकी जरूरत पड़ती है, ये अभी तक ज्यादा बोलते रहे हैं। शो में उसकी जरूरत पड़ती है, बट डॉक्टर आशुतोष काफी चुप रहते हैं, शरद केलकर तो बहुत बोलते हैं। चुप ही नहीं होता डॉक्टर की भाषा जो है
क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है नहीं, आप अपने निजी जीवन में कैसे उन शब्दों का आपको ज्ञान होता है या किस तरह से इक्विपमेंट को इस्तेमाल किया जाता है? जी से, गूगल से। गूगल पे जी, कंप्यूटर जी को हमें बहुत इस्तेमाल में लाना पड़ता है, क्योंकि ऐसी ऐसी टर्म्स हैं जो शायद कभी सोची भी नहीं होंगी, बोलनी पड़ेगी हमें जी। और एक और खासियत है मेडिकल टर्म में, ऐसे ऐसे शब्द हैं जो इतने टंग ट्विस्टर है ना, जिनको रेगुलर भाषा में यूज करना एक नॉर्मल इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा मुश्किल होता है, बहुत से ऐसे नाम दिए हुए हैं, वो नाम बोलते बोलते आदमी बीमार हो जाए। ओके, तो शरद आज आप दोनों यहाँ पर एक अपनी मनपसंद चैरिटी के लिए खेल रहे हैं, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि शरद केलकर आज खेल रहे हैं बीइंग ह्यूमन, सलमान खान की जो चैरिटी है उसके लिए, और कृतिका कामरा खेल रहे हैं नारायण सेवा संस्था उदयपुर में जी। ये क्या करती है ये संस्था? ये डिसेबल्ड लोगों की हेल्प करते हैं, एजुकेट करते हैं जो डिसेबल्ड लोग जी। शरद और कृतिका, आपको ये बता दूँ कि हम लोग खेलेंगे जब तक हूटर नहीं बचता। ओके, बहुत जल्दी आपको मैं रूल समझा देता हूँ। 13 प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न 5,000 रुपये का है, और बढ़ते बढ़ते ये पहुँचेगा 13वें प्रश्न पे, जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 5 करोड़ रुपए। किसी प्रश्न में अगर आप अटक जाएं तो आपके पास 4 लाइफलाइंस, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। एक्सपर्ट एडवाइस में आज भी हमारे एक्सपर्ट हैं NDTV के मैनेजिंग एडिटर टेक्नोलॉजी श्री राजीव मखनी जी, और ये गैजेट गुरु होने के साथ साथ लेखक, मल्टीपल अवार्ड विनिंग कॉलमनिस्ट भी हैं। राजीव जी एक किताब भी आजकल लिख रहे हैं। राजीव जी प्रकट होइए हमारे सामने। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका राजीव मखनी लेडीज। आज एक्चुअली बहुत नर्वस हो गया हूँ, मैं आपको बताऊँ क्यों। काफ़ी बार मैं एक्सपर्ट के हैसियत में यहाँ पे आया हूँ, लेकिन पहली बार आज नर्वस हुआ हूँ, क्योंकि आज आपका 500 एपिसोड भी है, आज चैरिटी के लिए भी खेल रहे हैं, बड़े बड़े TV स्टार्स भी आए हैं, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक ना 100% रहा है। आज अगर मैंने गलती कर दी कितने जूते पड़ेंगे कितने लोगों से, मैं बहुत नर्वस हो गया हूँ आज। राजीव जी आपके जो अभी तक जितने भी लोगों की आपने मदद की वो सब सही गए हैं, वही कह रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आज भी आप इन लोगों पर थोड़ी सी कृपा रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, लेट्स प्ले दिस टुगेदर। ओके, राजीव मखनी जी एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन। शरद और कृतिका, अब आपको बताना है कि आपका मन चाह पड़ाओ आप कहाँ लगाएंगे खेल में? 7, हम दोनों का लकी नंबर है वो। 7 जी, 3,20,000 रुपए जी। ओके कबीर जी, 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए पे मन चाह पड़ाओ लगा दिया है शरद जी ने और कृतिका जी ने, इसे अंकित किया जाए। यहाँ पर आप किसी को अपने साथ लाए हैं क्या? मेरी मम्मी आई हुई है, मेरी दीदी आई हुई है। नमस्कार और स्वागत आपका, और आपकी सिस्टर भी है, स्वागत आपका। आप इनके हर शो में जाती हैं या केवल आज ही आई हैं? एक आध बार पहले भी गई हूँ, आज आपके लिए आई, आज मेरे लिए आज नहीं। तो नहीं, ये आप उनको बोलने दीजिए ना, आप क्यों बोल रहे हैं? आज मैं आपके लिए ही आई हूँ। अच्छा, नहीं ये तो सुनने के बाद आपने कह दिया। नहीं नहीं नहीं, उसने मेरी बात बोल दी, बिकॉज शी न्यू। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में, एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत। ओके शरद कृतिका तैयार हो जाइए, चलिए शुभारंभ करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति, लेट अस प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे आपको 5,000 रुपए। 5,000 रुपए पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या तोड़े बगैर ऑमलेट नहीं बन सकता? ऑप्शन सुनिए, ए दिल, बी सर, सी नारियल या डी अंडे। डी अंडे सर। डी अंडे। नारियल नहीं? नहीं। सर? नहीं। अंडे। अच्छा कंप्यूटर जी, अंडे डी पे ताला लगाइए, ये बिल्कुल सही उत्तर आपका, 5,000 जीत गए आप। ये क्या होता है जब भी अंडा शब्द बोले तो सब लोग या तो हंसने लगते हैं या उसका कुछ अलग अर्थ निकाल लेते हैं, सही कह रहा हूँ मैं? ऐसा होता है ना, क्या खा रहे हो भाई? अंडा खा रहे हैं, अजीब सा लगता है ना। सर आपने अंडे तोड़ना सिखाया एक फिल्म में, आई थिंक उसके साथ मत जाइएगा, वो गलत तरीका था। 5,000 रुपए जीत ले हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे, इसके लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। अगला प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
फिल्म जब तक है जहां में अकीरा द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री का शीर्षक क्या है, जो कि मेजर समर आनंद पर केंद्रित है। सब लोग ऐसे ऐसे सर हिला रहे, बहुत खुश है। ओके, ऑप्शन सुनिए। द मैन हु कैन नॉट डाई, बी द सीक्रेट डायरी, सी द ब्लैक डेथ, या डी लिविंग विद द सुपरस्टार। सर इसका जवाब यही देंगी सर। वाह क्या बात है। ए द मैन हु कैन नॉट डाई। श्योर है? यस सर। कॉन्फिडेंट? जी। लॉक कर दिया जाए? जी। कबीर जी, द मैन हु कैन नॉट डाई, ए पे ताला लगाइए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। 10,000 जीत गए आप। अनुष्का शर्मा ने अकीरा का रोल निभाया था इस फिल्म में। फिल्म देखी होगी आपने? देखी है? आप ये सब कुछ मतलब? अच्छा ऐसा है। हाँ। आप फिल्में वगैरह नहीं देखते? मैं देखता हूँ, लेकिन ये फिल्म पर्टिकुलर ये मिस नहीं कर सकता। अच्छा, समझ गया किस लिए। समर आनंद शाहरुख खान की भूमिका, भारतीय थल सेना के बम निरोधक दस्ते के लिए वो काम करते हैं। जब तक है जहाँ यश चोपड़ा जी की अंतिम निर्देशित फिल्म। कृतिका जी, जो आपका जो ये टीवी शो है, इसमें मुझे ऐसा लगता है और बहुत से जितने दर्शक हैं वो भी देख रहे हैं, सोचते होंगे कि आप खदेड़ती रहते हैं इनको। नहीं सर। पीछा करती रहती हैं आप? हमारी भाषा में खदेड़ता बोलते हैं। समझ चाहता हूँ, अगर आपको पुराने जमाने कुछ और ही समझ आया हो। ये पुराने जमाने की है ना सर, मुझे करना पड़ता है, मैं ही शुरू से इनके पीछे पड़ी हुई हूँ शो में। ये पुराने जमाने के हैं? हाँ। इनको देख के आपको लग रहा है कि ये पुराने जमाने के? सर ये तो अभी गेटअप में नहीं है सर। निजी जीवन में आप ऐसे ही हैं शरद जी? पीछा करना पड़ता है लोगों को आपके? नहीं, पीछे तो दौड़ना पड़ता है आपके पीछे? नहीं जी, मैंने ही पीछा किया हर बार। और मतलब और अभी भी जब भी कुछ समस्या होती है तो पीछा मैं ही करता हूँ घर पे भी। सही बात है ये कि ऐसे पड़ता है सर, आप तो जानते हैं मतलब। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ शरद जी। सर आजकल सर हम मर्दों को ही हर जगह मतलब हाथ जोड़ना पड़ता है सर। ये पता नहीं सहमत होंगे सारे मर्द की नहीं इसमें होंगे सर, अभी यहाँ ना हो भले किसी को ऐसा ईगो पे हर्ट हो जाए पता नहीं, बट असलियत घर जाके तो पता ही चलता है कि सब लोग ऐसे ही बैठे होते हैं। पर ये पीछा करना कैसे हुआ? सर भी नहीं बताएंगे ना मतलब अभी तो। नहीं नहीं, मेरी हैसियत है नहीं कि मैं अपने निजी जीवन के बारे में बात करूँ। यदि कोई ऐसा प्रश्न आएगा तो मैं बात करूँगा, वरना मैं इतना कह दूँ कि मैं शरद जी के साथ सहमत हूँ। तो निजी जीवन में शरद जी आपका स्नेह प्यार रोमांस कैसे हुआ? मैं और मेरी पत्नी कीर्ति हम साथ में एक शो कर रहे थे, उसके कुछ 8-10 महीने बाद हम दोबारा मिले और उसी दौरान कुछ एक महीना भर फॉर कॉस्ट्यूम फॉर स्क्रिप्ट मिलते रहे और वहीं से ऐसा शुरू हुआ कुछ सिलसिला जी कि हमने बहुत जल्दी शादी भी कर ली। मतलब ऐसा कुछ हमने रखा नहीं कि हम एक साल तक We'll see each other or something like जी that. जी, ना जाने क्यों आपकी और मेरी कहानी काफी मिलती जुलती है सर। हमारी एनिवर्सरी भी सेम है। अरे वाह, 3 जून 3 जून? जी सर। ये तो अद्भुत हो गया सर। आप भी लिब्रन है, मैं भी लिब्रन हूँ सर। अरे भाई साहब यहीं रुक जाइए थोड़ी देर बाद आप। इसलिए मैं दो ही चीजें बता रहा हूं सर, क्योंकि इसके बाद आप कह सकते हैं आप हटिए, मैं आपकी कुर्सी में बैठने वाला हूँ। कृतिका जी नमस्कार। आपका जीवन भी कुछ इनसे मिलता जुलता है या अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है? नहीं सर, मेरी तो शादी नहीं हुई है। मुझे मालूम है जी। आप पीछा करती हैं या लोग आपका पीछा करते हैं? सर लोग मेरा पीछा करते हैं सर। सच सच बोल दीजिए। नहीं सर, सच बोल रही हूँ। जो आप टीवी पे निभाती? जो टीवी में करती हूँ बस वो टीवी पे ही मैं पीछा करती हूँ। अब पीछा कीजिए आप अगले प्रश्न का। जो देगा आपको 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। में भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन मुहिम की शुरुआत किसने की? ऑप्शन सुनिए और वो है ये, ए बाबा रामदेव, बी अन्ना हजारे, सी अरविंद केजरीवाल, या डी स्वामी अग्निवेश। शांत हो जाइए सुई में जी। सही उत्तर नहीं मालूम आपको? शंका है सर। क्या सोच रहे थे आप?
अन्ना हजारे जी होने चाहिए. लोग भले अभी जानते हैं बट उन्होंने आंदोलन काफी पहले से शुरू किया था. जी जी. बट फिर भी अगर शक है श्योर होना चाहते हैं. श्योर होना चाहता हूँ. कौन सी लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे आप? ऑडियंस ही करते हैं सर. ऑडियंस पोल के लिए. ऑडियंस पोल करेंगे आप. ओके कंप्यूटर जी इसे अंकित किया जाए. और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है. बहुत जल्दी अपने अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए. और आपका समय शुरू होता है अब. ओह, 71% जनता ने कहा है बी अन्ना हजारे. ए सी और डी को मिले हैं 10, 4 और 15%. क्या करना चाहेंगे? मैं अपने और पब्लिक के साथ जाना चाहूंगा. सुई मुई जी शुरू हो चुकी है सर. बी अन्ना हजारे. जी सर. कमिरो जी अन्ना हजारे बी पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही उत्तर है. वेल प्लेड ऑडियंस. सोशल एक्टिविस्ट और क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे ने 1991 भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन की शुरुआत की थी. और बिल्कुल सही उत्तर. आपके मन में भी ये पहले आया था. यदि आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आता तो शायद ये लाइफलाइन आपको इस्तेमाल न करनी पड़ती. सर भी गेम की शुरुआत हो कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा समय लगेगा. चलिए मतलब कोई बात नहीं. अब आगे बढ़ते हैं शरद और कृतिका. अब आएगा अगला प्रश्न जो कि है 40,000 रुपये का. तैयार हो जाइए. चौथा प्रश्न 40,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर. अब ये रहा. ओ अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा. ज्यादा परेशान मत लगिए. अच्छा सा गाना होगा मैं उम्मीद करता हूं. ये गीत जिस गाने पर आधारित है उसके गायक कौन है? ओरिजिनल सिंगर. जी कबीर जी गाना सुनाया जाए. मुझे नहीं पता मैं क्या गाऊंगी. उल्टे सीधे लफ्जों से बनाऊंगी. मन में जो आए कह जाऊंगी. चलो हटो पर नाचो दिल खोल के. लेट्स रॉक. बोल ना जी लेट्स रॉक. मैं तो भूल गई फिर क्या. व्हाट इज दिस सॉन्ग. सॉन्ग चिल आउट रॉक. सबके सिर हिल रहे हैं. और आपके ऑप्शंस हैं ये. ए द बीटल्स. बी जिमी हेंड्रिक्स. सी एल्विस प्रेस्ली. डी जेरी ली लुइस. सी एल्विस प्रेस्ली. श्योर? कॉन्फिडेंट? या. ताला लगाने लायक है? जी. कबीर जी एल्विस प्रेस्ली. सी पे ताला लगाइए. बिल्कुल सही उत्तर है आपका. वेल प्लेड. 40,000 रुपए जीत गए आप. ये जो ओरिजिनल गाना था इसका नाम था जेल हाउस रॉक संग बाय एल्विस प्रेस्ली. इतनी जल्दी आपने ये जेल हाउस रॉक कैसे बोल दिया? क्लासिक रॉक पसंद है. क्लासिक रॉक आपको पसंद है. ये क्लासिक रॉक होता क्या है? सो बेसिकली यही रॉक एंड रोल. इसी जमाने के जो गाने हैं. जी जी. रॉक एंड रोल सुना था हमने. वो हमारे जमाने में उसको रॉक एंड रोल बोलते थे. क्लासिक रॉक मॉडर्न रॉक प्रोग्रेसिव सब कुछ हो गया है. तो आज के रॉक में और पुराने रॉक में अंतर क्या है? आजकल थोड़ा ज्यादा शोर मचाते हैं सर. आजकल ज्यादा शोर मचाते हैं. और वो लोग जो है ना जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं और वो गिटार लेकर के ऐसे ऐसे सर हिलाते हैं वो कौन लोग हैं? वो रॉक स्टार हैं. ओहो अच्छा अच्छा. और हेड बैंगर्स शायद उन्हें कहते हैं. किसके साथ वो बैंग करते रहते हैं अपना सर? अपने म्यूजिक के साथ सर. ओके शरद कृतिका एक लाइफलाइन आपकी चली गई है. गेम को आगे बढ़ाते हैं. अब आ रहा है पांचवा प्रश्न. दे सकता है आपको 80,000 रुपए. पांचवा प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर. अब ये रहा. नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? रेडी आपके ऑप्शंस हैं ये. ए मैकाला रेंज. बी विंध्या रेंज. सी महादेव हिल्स. या डी राजपिपला हिल्स. मैकाल रेंज विंध्या रेंज महादेव हिल्स राजपिपला हिल्स. सर लाइफलाइन. शांत हो जाइए सुई मुई जी. एक और लाइफलाइन. जी ज्योग्राफी. कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? बोलो बोलो. एक्सपर्ट करो सामने बट एक्सपर्ट बाद में यूज करो. दोनों आप मध्य प्रदेश ग्वालियर से हैं. अपने प्रदेश का ही सब पता नहीं चल रहा है. बट हिंदी है
लेकिन आपने अभी तक लाइफलाइन नहीं बताई, वही मैं कह रहा हूँ आपसे। क्या क्या कह रहे हैं आप? तो उत्तर की बात शुरू कर दी आपने। एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है, फोनो फ्रेंड करें। किसको? सर उसमें भी कंफ्यूजन है कि हम फोनो फ्रेंड करें कि एक्सपर्ट एडवाइस। उसके लिए देखिए कोई लाइफलाइन नहीं है कि आप दोनों में से कौन उत्तर देने वाला है। क्या कह रहे हैं? आई थिंक एक्सपर्ट एडवाइस। एक छोटा सा और प्रश्न है मेरा। आप दोनों जब सर्जरी करते हैं तो इतना ही समय लेते हैं क्या? कभी आपने सोचा है वो बेचारा पेशेंट क्या उसकी हालत हो रही होगी? फिर तो आप बॉस यहाँ पे डिसाइड कीजिए। क्या करें, एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं, खत्म हो गई बात। फोन फ्रेंड लेते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। आप घर के मालकिन, आप बताइए क्या कर रहे हैं? आप किसको फोन करेंगे? आप इन दोनों पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। कभी भी आपको चिकित्सा की जरूरत पड़े इनके पास मत जाइएगा, क्योंकि ये सोचते रहेंगे कि टांग काटें कि पेट काटें कि सर काटें। अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, अब बोले चले जा रहे हैं आपस में। अभी भी बोल रहे हैं, तालियां बज रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं। एक्सपर्ट तो बहुत बड़ी गलतियां होती है ना यार, मेजर क्वेश्चंस में होती है। पूरा सीरियल हो जाएगा इनके ऊपर। तुम्हारे साथ सही है, तुम्हारे साथ यही है, दिन नहीं है। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। फिर भी है। नहीं मैं सर टांग काटे या पेट सर? सर फोनो फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड। धन्य है सर आप लोग। कंप्यूटर जी, शरद और कृतिका फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए और जो तीन नाम इन्होंने दिए हैं इसे दिखाइए हमें। तो किन से बात की जाए, अब इसमें भी निर्णय होगा। यहाँ भी तो तीन ऑप्शन है। मेरे ख्याल से मेरी सिस्टर जो भोपाल में रहती हैं, जो एमपी में ही हैं, ओके, तो मध्य प्रदेश की हैं, तो शायद उन्हें इस बात का अनुमान होगा कि नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। आप सहमत है इससे? अंजलि ठाकुर, इनको फोन लगेगा अभी जी। कंप्यूटर महाशय अंजलि ठाकुर जी को भोपाल में फोन लगाया जाए। हेलो अंजलि ठाकुर जी। जी जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार अमिताभ जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। भोपाल कैसा है? भोपाल बहुत अच्छा है। मैं बताना चाहता हूँ कि आपके छोटे भाई साहब, हाँ, हाँ जी, शरद केलकर जी, जी, और उनके साथ उनकी जो डॉक्टर सहयोगी है कृतिका कामरा जी, जी जी जी, ये दोनों आज मेरे साथ एक स्पेशल एपिसोड में हॉट सीट पर आ पहुंचे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि शरद आपके साथ, आपके सामने बैठ के खेल रहा है। बहुत नहीं, बहुत इनको तो और ज्यादा अच्छा लगेगा जब आप ये एक प्रश्न का उत्तर दे पाएंगी। अच्छा, अच्छा। क्योंकि ये एक प्रश्न में आकर के अटक गए, उसका उत्तर नहीं मालूम। अच्छा जी, तो आपको फोन किया है। जी अंजलि जी, शरद आपसे अपनी आवाज में एक प्रश्न आपके सामने रखेंगे। जी जी। उसके चार ऑप्शन है ए बी सी डी। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। जी जी। और इसके लिए मिलेंगे आपको केवल 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड्स। जी जी। और शरद जी आपका समय शुरू होता है अब। यानी नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? मैकला रेंज, विंध्य रेंज, महादेव हिल्स, राजपीपला हिल्स। नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? मैकला रेंज, मैकला, विंध्य और महादेव और राजपीपला। महादेव और राजपीपला। अरे एक ही ऑप्शन बताना है। हाँ, मेरे ख्याल से विंध्याचल ही है वो। विंध्याचल है ना? विंध्य, हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समय निकल गया है, क्या करना चाहेंगे आप? बहुत जल्दी आपको लेना पड़ेगा निर्णय। डू यू वांट अनदर लाइफलाइन? यस सर। ओके, कौन सी? सुनिए जी, शांत हो जाइए। एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस तो बा। कंप्यूटर जी, शरद और कृतिका एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे एक्सपर्ट एडवाइस की। ओके। और इसे अंकित किया जाए। और राजीव जी प्रकट होइए हमारे सामने। सर आप भी हिला रहे हैं ना? मुझे पता था, मैंने शुरू में कह दिया था, मैं बड़ा नर्वस था। और ज्योग्राफी आपने कहा था ना कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, किसी को नहीं पता, ये मुझे भी ज्योग्राफी एक चीज़ है जो मेरी बड़ी पुअर है। अच्छा नहीं नहीं, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। मैंने सोचा टू टीवी एक्टर बैठे मेरे सामने, तो मैं भी थोड़ी एक्टिंग करके देख लूँ। नहीं, मुझे आता है।
बधाई ए माइकल अरेंज आप लोग दोनों कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं कि मैंने ठीक बताया आपको क्यों आप लोग लग रहे हैं ये भी थोड़ा सा अभी गलत ही लग रहा है जितने कंफ्यूज हम हैं हाँ क्योंकि उनको सही लग रहा है मुझे अब लग रहा है आपको सही जितनी मेरी बहन जी कंफ्यूज थी उन्होंने तीन ऑप्शन बता दिए थे महादेव हिल्स और राजपिपला हिल्स विंध्या तो फिर उसके बाद सर कुछ शरद कृतिका आंसर बताइए अपना माइकल रेंज ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर वेल डन राजीव थैंक यू धन्यवाद दीजिए आप इनको नर्मदा को एक धार्मिक नदी भी कहा जाता है काफी महत्व है उसका ईस्ट सेंट्रल मध्य प्रदेश से ये बहती है माइकला रेंज इज द राइट आंसर और आपने जीत लिए हैं 80,000 रुपए 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने अब आ रहा है 6ठा प्रश्न 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं 6ठा प्रश्न 1,60,000 रुपए कृतिका शरद जी आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा इनमें किस नाम का अर्थ जल्द प्रसन्न होने वाला होता है और आपके ऑप्शन है ये ए अनुवर्ता बी अश्विनी सी आशुतोष या डी अमर्त्य डोंट टेल मी ओह माय गॉड सी आशुतोष ताला लगा दिया जाए जी कबीर जी आशुतोष सी पे ताला लगाइए बिल्कुल सही उत्तर है आपका 1,60,000 रुपए आप जीत गए आशुतोष शिव का एक और नाम या दूसरा नाम अश्विनी घोड़ी अमर्त्य जो कभी ना मरता हो और अनुव्रत समर्पित वफादार इतने सर बौखला गए ना हम लोग अभी नहीं, नहीं, बिल्कुल के नाम का मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यही ये तो आपका स्वयं अपना नाम है इसका तो अर्थ मालूम होना चाहिए था आपको 3 जो लाइफलाइन गई है ना और मुझे उम्मीद नहीं थी इतना मैं खराब खेल रहा हूँ तो दिमाग कह रहा है कि नहीं सोच ले 5 सेकंड और नहीं नहीं कोई बात नहीं सोचने में कोई आपत्ति नहीं है सर उत्तर सही होना चाहिए ओके अब आगे बढ़ते हैं 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं अब आ रहा है आपका मन चाह पड़ाव इसे अवश्य सही उत्तर दे करके आप पार कर जाइए जी सर तैयार हो जाइए शरद कृतिका 7वां प्रश्न आपका मन चाह पड़ाव 3,20,000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा बाल ठाकरे ने एक कार्टूनिस्ट के तौर पर अपना करियर किस जर्नल से शुरू किया था और आपके ऑप्शंस हैं ये ए पंचजन्य बी द फ्री प्रेस जर्नल सी अमर संदेश डी इंडियन एक्सप्रेस बी द फ्री प्रेस जर्नल श्योर कॉन्फिडेंट ताला लगाने लायक बिल्कुल सर ओके कंबीर जी फ्री प्रेस जर्नल बी पे ताला लगाया जाए आपने कहा फ्री प्रेस जर्नल अगर आप देखिए पंचजन्य कहते तो गलत होती है अमर संदेश कहते तो भी गलत होती पर अगर आपने इंडियन एक्सप्रेस कहा होता तो भी आप गलत होते ये सही उत्तर है और मंचा बढ़ाओ आपने पार कर लिया है 3,20,000 रुपए तालियां बजती रहे देवे हो सजनो 3,20,000 रुपए का चेक ये आपका हो गया बाला साहब ठाकरे बिगैन हिज प्रोफेशनल करियर एज ए कार्टूनिस्ट विद द इंग्लिश लैंग्वेज डेली द फ्री प्रेस जर्नल अभी भी चलता है फ्री प्रेस जर्नल लेट 1950s में मुंबई से उनकी शुरुआत हुई थी फिर उन्होंने 1960 में से छोड़ दिया और उन्होंने अपनी जो स्वयं की एक पॉलिटिकल राजनीतिक वीकली थी जिसका नाम था मार्मिक उसकी शुरुआत की उसकी स्थापना की बाल ठाकरे जैसा कि आप सब जानते हैं फाउंडर ऑफ शिवसेना 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है मनचाहा पड़ाव आपका पार हो गया है सुई मुई जी शांत हो गई हैं पानी पीना चाहेंगे आप सर मैंने मैं तो क्योंकि ऐसा लग रहा है कि टांग तो कट ही गई है
पेट और सर की बात रह गई है। सर हम जब ये शो देखते हैं, ऑब्वियसली देखते आए हैं इतने सालों से, और जब भी शो देखते हैं टीवी पे बैठे हुए देख रहे हैं, अरे कितना आसान सवाल है, क्या क्या जवाब दे रहे हो यार, मतलब सब रिएक्शंस हमारे आते रहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा जो लोग देख रहे हैं, यहाँ बैठ के ये गेम खेलना उतना आसान नहीं है जितना आप टीवी पे देखते हैं और समझते हैं कि आसान होगा। सर डॉक्टर होते हुए दिल की धड़कनें बहुत तेज है। हमने सुना है देवी और सज्जनों कि प्रॉब्लम शब्द से इनका एक प्रॉब्लम है जी। ये प्रॉब्लम नहीं बोलती है, प्रॉब्लम बोलती है। अभी उसको जो भ्रम है लोगों के मन के अंदर, इसको तोड़ दीजिए आप। आज मेरे सामने बोलिए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो ठीक तो बोल रही है ये। क्या हालचाल है आपका कृतिका जी? हमारा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसे बोलिए। हमारा कोई हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों अटक जाती हैं आप? रस इनको कुछ एक दुश्मनी है मुझे ऐसा लगता है। पर ये बचपन से ऐसा क्या? नहीं सर, एक्चुअली ये डॉक्टर निधि अच्छा की परेशानी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, गेम को आगे बढ़ाते हैं। आठवां प्रश्न अब आएगा, इसके लिए मिलेंगे 6,40,000 रुपए। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई, एक ही बची और ये थोड़ी सी नटखट लाइफलाइन है, डबल डिप। आठवां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस शहर में एक महान हॉकी खिलाड़ी के नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम है जहां वनडे इंटरनेशनल्स खेले जाते हैं? और आपकी ऑप्शंस हैं ये, ए अहमदाबाद, बी मोहाली, सी कानपुर या डी ग्वालियर। सर डी ग्वालियर, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया। श्योर है? यस सर। कॉन्फिडेंट? यस सर। कृतिका जी आप कुछ नहीं बोल रही हैं? ग्वालियर के है सर, वो गलत नहीं बताएंगे। अच्छा, श्योर? यस सर, डी ग्वालियर। ताला लगा दिया जाए। यस सर। कंप्यूटर जी ग्वालियर डी पे ताला लगाइए और बताइए कि सही उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 6,40,000 रुपए जीत गए आप। और एक और चेक आ रहा है आपके नाम। नारायण सेवा संस्थान और बीइंग ह्यूमन चैरिटी के लिए 6,40,000 रुपए का चेक। इसे यहां रखिए क्योंकि अभी आपने इसे जीत। अरे समय समाप्त हो गया है। रूप सिंह स्टेडियम बिल्कुल सही उत्तर था आपका। कैप्टन रूप सिंह महान हॉकी खिलाड़ी, ध्यानचंद के भाई थे ये। तो हमें अब आपसे विदा लेनी पड़ेगी, लेकिन मन हमारा कर रहा है कि ना छोड़ें आपको, लेकिन क्या करें, खेल के ऐसे नियम हैं। और आप दोनों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। और ये जो धनराशि आपने जीती है 6,40,000 रुपए की, ये एक बहुत ही नेक काज में जाएगी, इसकी भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। एक बार तालियों के साथ दोनों का अभिनंदन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस शरद एंड कृतिका। थैंक यू सो मच शरद, लवली टू बी विद यू। थैंक यू कृतिका, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बिग हैंड वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन।